गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, प्रत्येक मौसम में लड़का और लड़की को जांघों के बीच काच या खुजली लग जाती है। ज्यादातर ये गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है कि जांघों के बीच लड़का और लड़की सबको काच या खुजली जांघों के बीच लग जाती है, और जहां आता है इनको नोचना पड़ता है, जिसके कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा नोचता भी है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे कि आखिर जांघों के बीच काच या खुजली क्यों लगती है, किन किन कारणों से लगती है, और घर बैठे बिना दवा लिए, बिना डॉक्टर के पास गए, बिना डॉक्टर से सलाह लिए भी आप आसानी से इन जांघों के बीच लगे काच या खुजली को ठीक कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल जानना इस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ध्यान से प्रत्येक बात को आप समझिएगा। यदि प्रत्येक बात को यदि आप समझ लेते हैं, तो मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं कि इसके बाद, यानी आज के बाद, आपको कोई भी कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि जांघों के बीच काच या खुजली क्यों लग जाती है, किन किन कारणों से लग जाती है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, पूरा डिटेल में जानेंगे, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं ना कि कुछ दिनों के अंदर भी ये तरीका अप्लाई कर लेते हैं तो आपके जांघों के बीच का जो काच खुजली वो आसानी से ठीक हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ। देखिए, सबसे पहली बात समझते हैं कि आखिर किन किन कारणों से ये काच जो खुजली होता है, ये लड़का लड़की दोनों का पिक्चर बन जाएगा, सभी को लगता है और सबके भी जांघों के बीच हो ही जाता है। इसका कारण क्या, किन कारणों से ये हो जाता है, तो इसका कारण जानते हैं, दो तीन कारण होता है। पहला कारण कि जब गर्मी का मौसम आता है तो आपको पता है कि जो अंग जटा रहता है ना, वहां पर अपने आप पसीना जमा होता है। जैसे आपका एक आंख होगा, कांख कभी देखिए पसीना जमा हो जाता है, क्योंकि हमेशा जताया रहता है, वैसे ही जांघ होता है, जांघ हमेशा क्या होता है, जते रहने के कारण से वहां पर पसीना ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, और जहां जहां पसीना ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है ना, अब देखिए ऊपर जीवाणु कीटाणु विषाणु अपने आप पनप जाता है। कहीं नदी में पानी, मान लीजिए कहीं पानी आप मिट्टी मतलब मिट्टी के आसपास कहीं पानी जमा कर दीजिए, ठीक है, आज जमा करने के बाद 4-5 दिन के बाद देखिए उसमें कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता है। उसी प्रकार से जब गर्मी का मौसम आता है, और गर्मी का मौसम आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहली गलती ये करते हैं कि टाइट कपड़े पहनते हैं, और टाइट कपड़े जब पहनते हैं तो जांघों के भी ज्यादा मात्रा में पसीना इकट्ठा होता है, और ये पसीना ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने के कारण यहाँ सूख नहीं पाता है, क्योंकि इसको हवा मिल नहीं पाता, हम लोग टाइट कपड़ा पहन के हमेशा रहते हैं, जिसके कारण से जीवाणु कीटाणु विषाणु लड़का और लड़की इनके बीच क्या होता है, जीवाणु कीटाणु विषाणु पैदा हो जाता है, और ये नोचना चालू करता है, जो एक काच खुजली का रूप ले लेता है। तो इसी कारण से काच या खुजली लगता है, बस दो कारण, पहला टाइट कपड़े पहनने से, और दूसरा कारण ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पसीना इकट्ठा होने से। और पसीना इकट्ठा कब होता है, जब टाइट कपड़े पहनेंगे, यानी एक ही कारण, टाइट कपड़े पहनने से क्या होता है, पसीना इकट्ठा होता है, और पसीना इकट्ठा होने के बाद जीवाणु विषाणु वहां पर उत्पन्न होता है, और जब ये उत्पन्न होगा तो आपको नोचेगा तो बहुत सा दाग फफोला उत्पन्न हो जाएगा, जिसको काच या खुजली कहते हैं। काच या खुजली के रूप में क्या होता है, ये फफोला के रूप में उत्पन्न होता है, जो बार बार आपको नोचते रहता, परेशान करते रहता, हमेशा नोचने का मन करता, तो इसी कारण से क्या होता है, काच खुजली लग जाती है। अब आप सोचे होंगे ये तो काच और खुजली लग गया, ठीक है ना, देखो ये जो मतलब कहने का मतलब है कि जांघों के बीच जो पसीना होता है इकट्ठा होता है, और ये काच खुजली जरूरी नहीं कि आपके जांघों के बीच, किसी और अंग में भी हो सकता है, किसी और, क्योंकि ये संक्रामक रोग होता है, संपर्क में आने से भी हो सकता है। कई बार देखिएगा नोचने आदमी को हो रहता है, यहाँ नोचेगा फिर यहाँ नोचेगा, तो यहाँ से यहाँ भी उसके हाथ में क्या होता है, हो जाता है ये, क्योंकि ये संक्रामक एक तरह से रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो काच या खुजली होता है जांघों के बीच ही नहीं, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन आज का टॉपिक है केवल जांघों के बीच हमें बात करना है। चलिए ध्यान से विस्तार से इस बात को समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि जांघों के बीच काच या खुजली क्यों लगते हैं, किन किन कारणों से लगते हैं। पहला कारण है कि जब टाइट कपड़े पहनते हैं हम गर्मी के दिनों में, हम ठंड के दिनों में ज्यादा कपड़े यूज करते हैं, जांघों के बीच पसीना इकट्ठा होता है, और जब पसीना इकट्ठा होता है ज्यादा पसीना इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा समय तक जांघों के बीच पसीना रह जाएगा, तो किसका रूप लेगा, जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया कॉक सबका रूप लेगा, और ये नोचेगा, जिसके कारण हम लोग नोचते हैं, और ये फफोला के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काच या खुजली कहते हैं। कहते हैं काच और खुजली आपको बीच हो जाए, मतलब काच बोलिए चाहे खुजली बोलिए, काच आपको लगे जांघों के बीच। अब आप सोचे होंगे इसका इलाज क्या है, कारण तो समझ में आ गए, तो इसका इलाज एकदम आसान है, दवा भी नहीं लेना है, कुछ लगाना भी नहीं है, जो तरीका बताऊं सिर्फ वही काम करना है, या पर कोई दवा या कोई घरेलू दवा नहीं बताऊंगा कि यहीं जक लगाएगा, तुलसी का पत्ता उठाएगा, एलोवेरा उठाएगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ काम करने के लिए बताऊंगा, जिसको अप्लाई करके आप आसानी से अपने जांघों के बीच लगे काच खुजली को ठीक कर सकते हैं। चलिए, कौन सा तरीका, सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको आदत ये लगाना है कि सुबह शाम, मतलब इवनिंग टाइम में और मॉर्निंग टाइम में, दोनों टाइम में आपको स्नान करने हैं, मतलब नहाने का आदत आपको दोनों टाइम लगाने हैं। आप सोचे होंगे कि दोनों टाइम नहाने से आदत लगा रहे तो उससे काच या खुजली का क्या संपर्क है, आगे आप समझिएगा। पहले आपको यही काम करना है कि आपको अगर चाह रहे कि कुछ दिनों के अंदर में, 1-2-3 दिन के अंदर में आपके जांघों की काच या खुजली ठीक हो जाए, तो पहला यही काम करना है कि सुबह शाम आपको स्नान करने का, नहाने का आदत लगाना है। देखो, जब भी आप स्नान करिएगा तो स्नान कर लेने के कुछ मिनट बाद आपको जांघों पर क्या करना, कोई तेल लगाना है। मैं ये नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप हिमगंगा तेल लगाइए, या बजाज लगाइए, या नवरत्न लगाइए, या एलोवेरा लगाइए, या सरसों तेल लगाइए, आप कोई भी तेल लगा सकते हैं,
ठीक है ना। लेकिन अगर हिमगंग तेल का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, जांघों के भी जो कीटाणु होता है, क्योंकि जो खुजली का रूप ले रहा है तो कीटाणु के रूप में ही होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, ये थोड़ा पड़पड़ाता है हिमगंगा, लेकिन उस बहुत हद तक उसको मार देता है, कुछ क्षण के लिए पड़पड़ाता है लेकिन मार देता है। अगर उससे भी दिक्कत हो रहा है तो आप कोई और सरसों का एलोवेरा का भी तेल लगाएंगे, उसमें भी कीटाणु नाशक बहुत सारे चीज पाए जाते हैं तो वो भी मार सकते हैं। तो नहाकर, नहाने के जस्ट बाद जांघों के बीच क्या करना, आपको तेल लगा लेना है। कौन सा तेल लगाना है, तो कोई भी तेल आपको प्रयोग करना, सरसों से लेकर हिमगंगा से लेकर एलोवेरा से लेकर कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला काम। दूसरा काम, तीसरा काम क्या करना है, नहाने के जस्ट बाद, मेरे कहने का मतलब कि सुबह सब स्नान करिए, स्नान करते समय जांघों को भी तेल लगाकर फिर नहा लेना है, जांघों को धो लेना है, ठीक है। उसका तीसरा आपको काम करना है कि तौलिया का प्रयोग करना है, जहां जिस जांग जिस अंग पर आपको ये काज खुजली लगा है वहां पर अपने तौली से क्या करना है, उसको मतलब थोड़ा सा पोछना है, उसको थोड़ा सा हल्का साफ करना है, ताकि जो जीवाणु कीटाणु है वो तौलियों के माध्यम से कुछ हद तक बाहर निकल जाए, मतलब एक बार नोच नहीं देना, हल्का हल्का उसको साफ करना है, ठीक है। देखो तो इस बात को समझिएगा। और दूसरी बात है कि हम लोग क्या करते, गलती करते, जांघों के बीच काच या खुजली जानते क्यों लगता है, वो लगने का कारण ये होता है कि हम जब भी स्नान करने जाते हैं तो सारा अंग का साफ सफाई करते हैं, ऊपर से नीचे तक जांघे का साफ सफाई नहीं करते, लाज लगता है। अरे भैया वो भी तो आपके एक शरीर का ही अंग है, तो पूरे अंग का साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। साफ सफाई के गलती के कारण ही आपके जांघों के बीच काच या खुजली लगती है, तो साफ सफाई नहीं कीजिएगा तो लगेगा ही ऑटोमेटिक, ठीक है। तो नहा कर तेल लगा लेने के बाद आपको जांघों पर क्या करना, तौलिया हल्का हल्का मारना, था कुछ हद तक जीवाणु कीटाणु निकल जाए। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि हल्का कपड़ा पहने, कहीं जाना हो तभी आप टाइट वाइट कपड़े पहनिए, लेकिन घर में ना एकदम हल्के कपड़े पहनिए। आपको ऐसा हल्का कपड़ा पहनना है कि जांघों के बीच थोड़ा सा भी पसीना इकट्ठा नहीं हो। अगर सोचिए जांघों के बीच थोड़ा सा भी पसीना इकट्ठा नहीं होगा तो क्या जीवाणु कीटाणु उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा, तो इसका मतलब कि वहां पर कोई भी काज खुजली वहां पर लगेगा ही नहीं। इस बात को भी अपने मस्तिष्क में आपको अब बैठा लीजिए, ठीक है ना। हल्का कपड़ा यूज करना है, देखो स्नान कीजिएगा, तेल लगाएगा, तौलियों का प्रयोग करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी थोड़ा सा पानी जांघों के बीच रह जाएगा वो तौलियों से पूछेंगे तो सूख जाएगा, उसको हल्का कपड़ा पहनेंगे। और कोशिश और करिए कि जांघों को थोड़ा सा क्या हवा के संपर्क में रखे, जहां पर ये आपका हुआ है काच या खुजली उसको हवा के संपर्क में रखे ताकि पसीना इकट्ठा नहीं हो पाए। बस एक ही कारण करना, आपको कुछ नहीं करना, ऐसा तरीका अप्लाई करिए, आपको ये सब तरीका अप्लाई करना, कुछ ऐसा करना है कि जांघों के बीच कभी भी थोड़ा सा भी पसीना इकट्ठा नहीं हो, और इकट्ठा भी हो तो ज्यादा समय तक वो रह नहीं पाए, क्योंकि ज्यादा समय पर रहने के बाद ही वो काच खुजली का रूप लेता है। तो ये तीन चार तरीका अप्लाई करना, आप सोचोगे इससे कैसे लाभ होगा, अरे भैया सुबह सुबह स्नान करो, तेल का प्रयोग करो, तौलियो थोड़ा सा लगाओ, हल्का कपड़ा यूज करो, देखिए ऑटोमेटिक अपने आप ये धीरे धीरे काच खुजली आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ये गलती मत करेगा, नोचने का मन करेगा तो उसको नोचना नहीं, उसको ऑटोमेटिक छोड़ना, क्योंकि अपने आप वो ठीक हो जाएगा। ये तरीका जो जो अप्लाई करके कर लेगा ना, कुछ दिन अगर मिनिमम बोल रहा हूँ कि लगभग एक सप्ताह तक यूज कर लीजिए बिना दवा का, मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका जांघों के बीच जो लगा काज खोज लिया वो आसानी से ठीक हो जाएगा।